हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैडिलक हेल्थ केयर लिमिटेड और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। बेसिकली मैंने इसको इसीलिए लिया है क्योंकि ये एक फार्मा, दोनों फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स हैं और यहाँ पे आपको एक ही रेंज में मिल रहे हैं। लगभग बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये आपको 423 पे मिल रहा है और ये आपको 484 पे मिल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग कंपनी की इंफॉर्मेशन पहले लेते हैं। सो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैडिलक हेल्थ केयर लिमिटेड से। तो यहाँ पे है, इज़ एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, हेडक्वार्टर इन अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में है और इनका जो रेवेन्यू है वो है 7,104 करोड़ का। ओवरऑल ये रेवेन्यू है गाइज, और यहाँ पे ये 2019 का डेटा है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ जेनरिक ड्रग्स। तो बेसिकली जो जेनरिक ड्रग्स होता है ये कॉपी होती है ब्रांडेड ड्रग्स की। बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता बहुत ज़्यादा, काम वो भी करती है, काम ये भी करती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि ये थोड़ी सी आपको सस्ती मिलती है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि जो जिसके जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो भी महंगी दवा है, तो ये इन जेनरिक ड्रग्स को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर जो भी रिच पीपल्स हैं वो लोग तो प्रेफर कर ही सकते हैं, वो चाहे तो सस्ती वाली लें चाहे महंगी वाली, तो उनके लिए बराबर है सब। बट यहाँ पे जो जो लोअर आते हैं, जिनके पास कम अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वो जेनरिक ड्रग्स को भी प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो से सो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैडिलक हेल्थ केयर लिमिटेड से। तो यहाँ पे है, इज़ एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, हेडक्वार्टर इन अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में है और इनका जो रेवेन्यू है वो है 7,104 करोड़ का। ओवरऑल ये रेवेन्यू है गाइस, और यहाँ पे ये 2019 का डेटा है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ जेनरिक ड्रग्स। तो बेसिकली जो जेनरिक ड्रग्स होता है ये कॉपी होती है ब्रांडेड ड्रग्स की। बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता बहुत ज़्यादा, काम वो भी करती है, काम ये भी करती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि ये थोड़ी सी आपको सस्ती मिलती है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि जो जिसके जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो भी महंगी दवा है, तो ये इन जेनरिक ड्रग्स को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर जो भी रिच पीपल्स हैं वो लोग तो प्रेफर कर ही सकते हैं, वो चाहे तो सस्ती वाली लें चाहे महंगी वाली, तो उनके लिए बराबर। दोस्तों यहाँ पे कैडिलक हेल्थ केयर जो है COVID-19 की वैक्सीन भी बना रहा है और ये ह्यूमन ट्रायल्स पे भी जो है इसका चल रहा है। और इसका जो नाम है वो है जाय कोविड डी नाम है। और यहाँ पे इसको DCGI ने जुलाई 2020 में अप्रूवल इसको दे दिया था। और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो हम जो भी इन्वेस्टर हैं इसके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और यहाँ पे बेचते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्राइमली इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो बाहर इनका अगर डिमांड है, तो बेसिकली डिमांड है तभी बाहर सप्लाई कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे थेरेपिट एरिया जो है इनके सच एज कार्डियोलॉजी, साइकेट्री और न्यूरोलॉजी, जेस्ट्रोलॉजी एंड डायबिटिकलॉजी। तो यहाँ पे जो ये काफ़ी मीन्स ऐसे चीज़ें हैं जो हर एक तीसरे या चौथे व्यक्ति को होती ही हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो एंटी कैंसर की भी यहाँ पे मेडिसिन ये लोग बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ओवरऑल ये निकलता है कि एक इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले 20-30 सालों में जो फार्मा का सेक्टर है वो हमेशा शाइन करेगा। और बेसिकली कंपनी शाइन करेगी या नहीं करेगी वो सिर्फ और सिर्फ उसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है और उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। बट हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या है और क्या क्या कंपनी कर रही है, कितने लोन्स, कितने बोरोइंग, सब कुछ हम देखते हैं। आइए सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 1,16,211 करोड़ का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और एक अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर वहीं आप डिविडेंड डील के बारे में बात करें तो डिविडेंड डील बेकार है, ऑलमोस्ट 0.82% तक की है, तो तकरीबन इसको 1 तो होना ही चाहिए था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप डेप्थ देखें तो डेप्थ में भी है एक कंपनी, थोड़े से कर्जे इसने लिए हुए हैं, तकरीबन 6,405 करोड़ का है। तो इसका अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपैरिजन करिए तो ये डेप्थ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डेप्थ नहीं है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर देखें तो 54% तक की है,
अगर आपको गाइस 50 से 60 के बीच अगर आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखती है तो ये एक एवरेज प्रमोटर की होल्डिंग मानी जाती है। अगर आपको 70 से 70 के ऊपर मिलती है तो ये एक अच्छी प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी सेल्स में 21% की है, बट यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 23% है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स ग्रोथ बढ़ी है, तो इनके प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ एक ही लगभग है, तो ये थोड़ी सी निराशा वाली बात है। बाकी सब ओवरऑल आपको यहाँ पे ठीक है। अगर हम ROCE देखें तो ROCE में आपको 12% का दिख रहा है, और ROE में अगर आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी में आपको 13% का देखने को मिला है। तो ये ओवर अगर हम देखें तो कंपनी के पास डेप्थ भी बढ़ा हुआ है, तो डेप्थ में अगर इंक्लूडेड है तो ROCE अगर आप देखिए तो यहाँ पे लगभग बहुत ही कम है। एक तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत ज़्यादा ये नहीं, जो भी इनके डेप्थ हैं या फिर जितना पैसा है इनके पास उससे ये एक अच्छा पैसा नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें गाइस प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे प्लेज में भी इन्होंने रखा है, तो ये भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो DIIS के पास 19% तक की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 12% की होल्डिंग है, और यहाँ FIIS के पास 12% की होल्डिंग है। ऑलमोस्ट 13 ले लीजिए पब्लिक की और 13 इसको ले लीजिए, क्योंकि हम इसको राउंड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 13 ही आएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की प्लेज है ये थोड़ी सी निराशा वाली बात है, और ओवरऑल इनका आपको ठीक ठाक है। बट हम जो ये वर्ड ठीक ठाक यूज़ कर रहे हैं, ये जब तक हम कैडिलक हेल्थ केयर को नहीं देखते तब तक हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते। तो आइए उसका पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कैडिलक हेल्थ केयर के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,391 करोड़ का है, और यहाँ पे जो इनका डिविडेंड यील्ड है वो वैसा ही है जैसे सन फार्मा पे था 0.82 का, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिला है। अगर आप डेप्थ में देखिए तो इनके पास 3,696 करोड़ का इनका डेप्थ है। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे 6,000 समथिंग का यहाँ पे इनका डेप्थ था। बट अगर वहाँ पे आप देखिए तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पे आपको उतना मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ये डेप्थ इनका थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे हिसाब से, अगर इनका क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इनका प्रमोटर्स का प्लेस 74% तक का है, जो कि एक अच्छा है। EPS अर्निंग पर शेयर मीन्स कंपनी प्रॉफिट कर रही है, सेल्स कम है बट यहाँ पे इनको प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो ये एक तरीके से अच्छी बात है। सेल्स यहाँ पे आपको 4% तक की देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब सेल्स कम है बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर ये समेर अराउंड इसकी सेल्स अगर बढ़ेंगी लगभग अगर ये 10 चली आएंगी तो इसका लगभग ये तकरीबन आपको चला जाएगा लगभग 30 या 40 के नियर अबाउट ईजिली चला जाएगा। और अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखिए तो 13% की है, ROE अगर देखिए तो 14% की है, तो लगभग सेम है। तो अगर देखें तो इस कंपनी के पास डेप्थ भी है, काफ़ी अच्छा डेप्थ है, 3,696 एक अच्छा डेप्थ होता है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से ROE अगर आप देख रहे हैं तो ROE में थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि कंपनी डेप्थ भी ली है और ये उससे अच्छा पैसा भी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। अगर हम इनके प्रमोटर्स की प्लेज वगैरह के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स के प्लेज यहाँ पे खाली है, 0-0 है। DIIs वाले 13 की है होल्डिंग, और FIIs यहाँ पे कम इंटरेस्टेड हैं, 4 की ही यहाँ पे होल्डिंग है। तो ये थोड़ी सी मीन्स बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है बट बहुत ख़राब चीज़ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस है, यहाँ पे प्लेज नहीं है, तो एक तरीके से काफ़ी इंटरेस्टेड है, प्रमोटर सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी को। अगर दोस्तों हम लोग कैडिलक हेल्थ केयर लिमिटेड की अगर नेट सेल्स के बारे में बात करें तो नेट सेल्स इनकी लगातार यहाँ पे अगर 2016 से अगर आप 2017 में आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, तकरीबन आधा हो गया, 7,000 से यहाँ 3,230 करोड़ का हो गया। और फिर अगर आप देखिए तो यहाँ पे लगातार आपको पिछले 3 साल से आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो काफ़ी अच्छी बात है। पिछला जो बीता है उसको अगर ये रिपीट नहीं करता है तो एक अच्छे रिदम में ये आगे बढ़ेगा।
सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम हो रहा है अगर आप देखिए, तो ये 2536 से ये आ गया तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखिए तो 1488 का आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, बट ठीक ठाक है अगर आप देखिए। तो नेट प्रॉफिट ओवरऑल अगर हम चेक करें तो यहाँ पे फ्लैट रहा है पिछले 2 सालों से, मतलब कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी घटोतरी नहीं देखी गई है। ईपीएस अगर देखिए तो ईपीएस में इनके 2 साल से फ्लैट रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक समय पे ये 19 रहा करता था, इस समय 13 है। तो इसके ये बताता है गाइस कि इसकी अर्निंग जो है वो पहले के अकॉर्डिंगली ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू अभी के हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये निराशा वाली बात है। अगर दोस्तों हम लोग सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे आपको नेट सेल्स में यहाँ पे लगातार आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, 8,000 से 10,000 फिर 12,000, और यहाँ पे जो पिछला जो लगभग ये मार्च का डेटा है, मार्च 2016-17 में फ्लैट था, और फिर इस समय काफ़ी अच्छे इसमें मतलब बूम देखने को मिला। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी इनका ईपीएस अगर आप देखिए तो 13 का चल रहा है, डायरेक्ट जंप देखने को मिला आपको। तो ये जो जंप देखने को मिला ये काफ़ी मीन्स अच्छी चीज़ है, बट यहाँ पे एक समय पे ये माइनस में भी चल रहा था, माइनस से प्लस आया और 13 का गया, तो ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है अगर आप देखें तो। ये यहाँ से अब बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो जो भी मीन्स एक अच्छा इनका वो है। तो दोस्तों अब आते हैं ओवरऑल कंपैरिजन पे। तो ओवरऑल कंपैरिजन कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए सेफर वे रहेगा सन फार्मा, क्योंकि गाइज अगर आप जो भी आपका डेट जो भी आपका टाइम पीरियड है मे बी वो आपका 2 साल या 5 साल तक का हो सकता है, तो आपको सन फार्मा में ज़्यादा बिलीव आप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कैडिलक हेल्थ केयर, क्योंकि कैडिलक हेल्थ केयर जो भी है इसके ओवरऑल अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है। और ये एक तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि सन फार्मा जो है एक तरीके से हर जगह बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, एक तरीके से एवरेज है और एक ठीक ठाक स्टॉक है सन फार्मा। और अगर आप देखिए तो कैडिलक से बेटर आपको पड़ेगा सन फार्मा, अगर आप सेफर वे चलना चाहते हैं तो बेटर कि आप सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के साथ जाइए। और अगर आप कैडिलक हेल्थ केयर के साथ जाते हैं तो ये आपको एज ए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अगर इनकी जो है ग्रोथ अगर होती है तो दोस्तों जो ओवरऑल कंपैरिजन है वो यही है कि सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ जो है वो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अगर आप 2 से 5 साल के लिए अगर होल्ड करना चाहते तो आप बेटर यही है कि आप अपना जो कैपिटल है वो एक तरीके से सेफर साइड में आप ले जाइए, क्योंकि आपका जो भी 2 से 5 साल का जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो एक अच्छी कंपनी और एक जो भी आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो सन फार्मा का काफ़ी अच्छा है, तो और डेप्थ भी अगर देखें तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर वहीं कैडिलक हेल्थ केयर देखेंगे तो वहाँ पे डेप्थ मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है लेकिन वहाँ पे डेप्थ आपको मीन्स उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज, अगर आप सेफर वे में जाना चाहते हैं 2 से 5 साल के लिए तो आप सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफर दीजिए, क्योंकि वो वहाँ पर मीन्स बैलेंसिंग है, ओवरऑल बैलेंसिंग है। और कैडिलक हेल्थ केयर लिमिटेड ये भी एक अच्छा स्टॉक है, बट आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हाई दिखेंगी और कुछ चीज़ें लो दिखेंगी, तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग वाला काम है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिस्की लेना चाहते हैं तो आप कैडिलक के साथ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।